another crush happening. अबे क्या तू पागल हो गया है? मेरी गाड़ी खाई में चली जाती तो कुछ नहीं, मैं मर जाता। मौत की परवाह तुझे कब से होने लगी? और वैसे भी मोहब्बत और जंग में सब कुछ जायज है। जंग? अरे ये तो मामूली शर्त थी भाई। हमारे लिए जंग थी। हाँ, यही होता है तुम जैसों के साथ जब तुम सारी जिंदगी, बुरा मत माना, किसी हसीन भूत बंगले में बिता लेते हो जहाँ तुम्हारे इर्द गिर्द तुम्हारे हर इशारे पर सर हिलाने वाले मुलाजिम मौजूद होते हैं। यही होता है। इसलिए तो हमारा सिर्फ एक ही दोस्त है जिसे हमारे रुतबे की बिल्कुल परवाह नहीं, जो औरों की तरह शर्त लगाकर हमें खुश करने के लिए जानबूझकर हारता नहीं। तुम्हें कैसे मालूम कि मैं जानबूझकर नहीं हारा? सारा हारता है तो रोता है। लेकिन सीरियसली यश, तेरे पास सब कुछ है यार, इतना बड़ा महल, इतनी बड़ी रियासत, लेकिन उस महल में वो रंगत नहीं है जो सिर्फ मोहब्बत ला सकती है, जो एक रानी ला सकती है। तब तो शायद तू मुझे इन पहाड़ों से नीचे फेंकना बंद कर देगा। पागल राजा। हाँ, अगर ये रानी इतनी जरूरी है तो अब तक तेरी जिंदगी में कोई रानी क्यों नहीं है? तेरे कॉलेज में तो इतनी सारी लड़कियां हैं, क्या उनमें से कोई पसंद नहीं आई? अरे सब देख चुका हूँ यार, लेकिन जो लड़की राजा की रानी बन सके वो आज तक नहीं मिली। एक बात बता राजा। क्या? अगर तुझे अपनी रानी मिल गई और तुझे अपनी रानी और मुझ में से किसी एक को चुनना पड़ा तो तू किसे चुनेगा? तू मुझे चुनेगा ना? अबे मेरा दिमाग खराब हो गया कि मैं तुझे चुनूं? क्या कहा तूने?
अरे राजा मेरे यार, अरे राजा मेरे यार, अरे अरे तू लक्ष्मी, अरे मेरे यार। हम लोगों ने आराधना की टिकट निकाली और तू कहाँ है? अरे मैं रेस लगा रहा था यार। अच्छा कुंवर साहब के साथ? अरे वो सब तो ठीक है यार, लेकिन राजा को सिर्फ रानी का इंतजार है। रानी? मेरे सपनों की रानी। अच्छा दिखने में कैसी है? जीना दामन जैसी, मुमताज जैसी, राखी जैसी या जया बद्री जैसी है? तू नहीं सुधरेगा, वो उन सबसे ऊपर है। अच्छा लेकिन है कैसी? उसके चेहरे पर मासूमियत है, उसकी मुस्कुराहट में शरारत, और उसकी आंखें ना जाने कितने झील कितने समुंदर है उसकी आंखों में। वो चलती है तो सोए हुए फूल आंखें खोल देते हैं, वो रुकती है तो वक्त रुक जाता है, हवाएं उनके बालों से गुजरती है तो सावन आता है, वो आंखें बंद करती है तो रात होती है, वो आंखें खोलती है तो सुबह हो जाती है। तू देखना लक्ष्मी, एक दिन मेरे सपनों की रानी, मेरी तमन्ना, मेरी हसरत खुद अपने कदमों पर चलकर मेरे पास आएगी और कहेगी, एक्सक्यूज मी, क्या आप मुझे बता सकते हैं कि प्रिंसिपल का ऑफिस कहाँ है? कॉलेज का प्रिंसिपल होता है, प्रिंसिपल का ऑफिस होता है, ऑफिस कहाँ है? मैडम आप सीढ़ी से ऊपर जाइए, राइट हैंड में सेकंड फ्लोर पे। थैंक यू। ओ राजा कहाँ खो गए? ये हकीकत नहीं है। है नहीं है? है। अरे नहीं है। अरे बाबा है। है तो कहाँ है? प्रिंसिपल के रूम में। और प्रिंसिपल का रूम कहाँ है? यहाँ लड़की गई है। तुम्हारे मार्क्स इतने अच्छे हैं कि तुम्हें एडमिशन देना हमारे कॉलेज के लिए फख्र की बात होगी, और हमें उम्मीद है कि तुम हमारे कॉलेज का नाम रोशन करोगी। थैंक यू सर, मैं अपनी तरफ से पूरी कोशिश करूंगी। गुड, अगर तुम्हें कोई भी तकलीफ हो तो मुझे आकर बता सकती हो। अब जाकर अपना आइडेंटिटी कार्ड बना लो। ऑल द बेस्ट। थैंक यू सो मच सर। वो आ रही है। रेडी? रेडी। ओके। एक्सक्यूज मी, क्या आइडेंटिटी कार्ड यहीं बनता है? हाँ जी, बैठिए। थैंक यू। हाँ तो बरखुदार, आपकी शादी हो चुकी है? अभी तक तो नहीं, लेकिन आपकी नजर में कोई है? शट अप। सिर्फ वो जवाब दो जो आईडी कार्ड के लिए जरूरी है। फालतू बात करने के लिए वक्त नहीं है मेरे पास। तुम्हारे बाप की शादी हो चुकी है? माँ तो यही कहती थी। उम्र? 55 साल। तुम्हारी माँ की उम्र नहीं पूछ रहा हूँ, तुम्हारी उम्र पूछ रहा हूँ। 22 साल 6 महीने 12 दिन, अगर 3 साल फेल नहीं होता तो 19 साल 3 महीने। बोला ना, फालतू टाइम नहीं है, याद है मुझे, भुला नहीं अभी तक मैं। पसंद? मंडे ट्यूसडे वेनसडे आशा पारे मुमताज सायरा बनू, और थर्सडे फ्राइडे सैटरडे साधना माला सिन्नाथ वैजयंती माला, संडे के दिन मैं ऑफ रखता हूँ। ठीक है, आप जा सकते हैं, कल आकर अपना आईडी कार्ड ले लेना। वैसे मुझे करेला पसंद है, और आज शाम को मैं आराधना देखने जा रहा हूँ। गेट आउट। लेकिन वो 32 मशीन। गेट आउट। गेट आउट। गेट आउट ऑफ माय ऑफिस। गेट आउट। गेट आउट। हाँ जी, आपका फॉर्म। थैंक यू। फोटो? ये तो एक ही फोटो है, आपको तो 4 फोटो लाने थे। किस लिए? एक कार्ड के लिए, एक रिकॉर्ड के लिए, एक लाइब्रेरी कार्ड के लिए, और एक मेरे लिए। मेरा मतलब मेरे फॉर्म के लिए। थैंक यू। आपका नाम क्या है? फॉर्म पे लिखा हुआ है। पता है, मगर आपके मुंह से सुनकर कंफर्म करना था। रानी शर्मा। सुंदर जी। मेरा मतलब
आप सुंदरनगर में रहती हैं? जी नहीं, मैं पहाड़ी के उस पार रहती हूँ। पहाड़ी के उस पार। उमर, सॉरी, ये भी फॉर्म पर लिखा है, 19 बरस। परफेक्ट। आपकी शादी तो नहीं हुई है? जी नहीं। बचपन में माँ बाप ने कोई रिश्ता विश्ता तो तय नहीं किया? जी नहीं। आपका कोई बॉयफ्रेंड या कोई खास दोस्त? ये भी बताना जरूरी है? जी, मैं थोड़ी पूछ रहा हूँ, ये तो कॉलेज के रूल्स हैं। जी नहीं। ग्रेट। आज शाम को क्या कर रही हैं? फन फेयर जा रही हूँ, और क्या? एक मिनट, मैं शाम को क्या कर रही हूँ, इससे कॉलेज का क्या लेना देना? दिखाना मुझे। क्वेश्चन नंबर 32। कौन हो तुम? मेरा नाम राजा है और प्यार से लोग मुझे राजा कहते हैं। पसंद आया? नहीं। वो है बड़ी चार्मिंग, लगता है लोगो वो है मेरी डार्लिंग। नीला दुपट्टा पीला सूट, कहाँ चली तो दिल को लूट। दिल में तेरे हाँ है हाँ है, होठों पर नाना है झूठ। ये लड़की का हक है, लड़कों से वो जाए रूट। के लड़के फिर भी आएंगे पीछे पहन के सूट बूट। नीला दुपट्टा पीला सूट, चली चली मैं दिल को लूट। हर लड़का मेरी नजर में, मेरी जूती मेरा बूट। ये लड़की का हक है, लड़कों से वो जाए रूट। के लड़के फिर भी आएंगे पीछे पहन के सूट बूट। वो है बड़ी कमसिन, वो है बड़ी चार्मिंग, लगता है लोगो वो है मेरी डार्लिंग। चली मन चली कहाँ चली मुझे छोड़ के, रख दिया दिल मेरा है तूने तोड़ के। टूटा फूटा दिल तेरा रास्ते की चीज है, थोड़ी सी चाला है थोड़ी मासूम है, उसका दीवाना हूँ मैं उसे मालूम है। नीला दुपट्टा पीला सूट, कहाँ चली तू दिल को लूट। दिल में तेरे हाँ है होठों पर नाना है झूठ। ये लड़की का हक है, लड़कों से वो जाए रूट। के लड़के फिर भी आएंगे पीछे पहन के सूट बूट। अपनी जवानी का तुझको गुरूर है, मेरी भी दीवानगी बड़ी मशहूर है। नहीं नहीं प्यार की दिल में उमंग है, दिल को ही नूर है, आँखों में सुरूर है, उस पे फिदा हूँ मैं, मेरा क्या कसूर है। नीला दुपट्टा पीला सूट, कहाँ चली तू दिल को लूट। दिल में तेरे हाँ है होठों पर नाना है झूठ।
ये लड़की का हक है, लड़कों से वो जाए रूठ के लड़के फिर भी आएंगे पीछे पहन के सूट बूट। ये लो डबल शक्कर वाली चाय। थैंक्स लक्ष्मी। आज डबल कैसे? बापू शहर चले गए ना, अगर वो यहाँ होते तो सिंगल शक्कर वाली भी नहीं मिलती। क्यों चली गई ना, नाच गाना फोकट? अरे कुछ फोकट वोकट में नहीं हुआ लक्ष्मी। हा? वो आएगी, आज शाम को आएगी। शाम को कहाँ आएगी? मेले में। ये कितने का है? ये 100 रुपए का है। कम नहीं हो सकता क्या? नहीं बीवी जी, 100 रुपए से कम नहीं होगा, एक ही दाम है। अपनी तमन्नाओं को अपने आप से इस तरह जुदा नहीं करते। मौसम के सारे इंद्रधनुष अगर आपने पहन लिए तो इस बार सावन बड़ा बेरंग लगेगा। एक शर्त पर। क्या? अगर तुम मुझे कल सुबह सनसेट पॉइंट पर मिलने का वादा करो तो। क्यों? क्योंकि वहां आपको राजा के प्यार की गहराई और इश्क की ऊंचाई का एहसास हो जाएगा। कहाँ जा रही बेटे? कॉलेज। अरे मगर इतनी बारिश में? डैडी मुझे किताबें वापस करनी है इसलिए मैं जा रही हूँ। ओके बाय। अरे सुन जरा बारिश तो रुक जाने दे। डैडी ये बारिश रुकने वाली नहीं है, मैं जा रही हूँ। ओके बाय।
सनसेट पॉइंट जाना है, क्या आप मुझे छोड़ सकते हैं प्लीज? श्योर, थैंक यू। इस तूफान में कहाँ जा रही हैं आप? जब निकली थी तो तूफान नहीं था, ये तो रास्ते में मिल गया। होता है, कभी कभी हम जिनसे मिलना नहीं चाहते उन्हीं से टकरा जाते हैं। वैसे जाना कहाँ चाहती हैं आप? सनसेट पॉइंट। इस तूफान में? कभी कभी जिनसे हम बचना चाहते हैं उनसे मिलना मजबूरी बन जाती है। ये लीजिए। ओह थैंक यू। वेलकम। आपको इस इलाके में कभी देखा नहीं, क्या आप यहीं रहती हैं? पहाड़ी के उस पार डॉक्टर शर्मा का क्लिनिक है ना, मैं उन्हीं की बेटी हूँ। करती क्या है आप? पिताजी को परेशान करती हूँ और उससे टाइम बच गया तो फिर कॉलेज जाती हूँ, लेकिन इसके अलावा मैं अपनी डैडी को अपने काम में मदद भी करती हूँ। जी हाँ, मरीजों को दवाइयाँ देना, ड्रेसिंग्स चेंज करना, ब्लड प्रेशर चेक करना, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। एक्चुअली आप मुझे आधी डॉक्टर या पूरी कंपाउंडर भी कह सकते हैं। अरे अरे रुकिए, सनसेट पॉइंट तो पीछे रह गया। आपका रुमाल। थैंक यू। यू वेलकम। बाय बाय। क्यों बुलाया मुझे? बुलाना मेरी मजबूरी थी, आना आपकी मर्जी। जो भी कहना है जल्दी कहो, मुझे वापस। मैं तुमसे प्यार करता हूँ। तो कुछ नहीं, आई लव यू। यही बताने के लिए इतनी दूर बुलाया? नहीं, ये देखने के लिए कि तुम भी मुझसे प्यार करती हो या नहीं। नहीं। तो फिर आई क्यों? नहीं आती तो? तो शायद मैं इस खाई से कूदकर अपनी जान दे देता। ना, तुम उन लोगों में से नहीं हो जो प्यार के लिए अपनी जान दे सकते हैं। तुम्हें यकीन है कि मैं अपनी जान नहीं दूंगा? जिन्हें जान देनी होती है वो धमकी नहीं दिया करते, चुपचाप जान दे देते हैं। अब मेरा वक्त बर्बाद मत करो, जान देनी है तो जल्दी दे दो। सोच लो। सोच लिया। पछताओगी? पछता लूंगी। I'm serious. Serious. मरना इतना आसान नहीं है। मर तो मैं तुम पर पहली नजर में ही गया था, और वैसे भी इस जिस्म को ढोकर क्या फायदा जो तुम्हें छू भी नहीं सकता। मैं जा रहा हूं रानी, मगर ये वादियां, ये आसमां, ये पर्वत, ये कुदरत सब इस बात के गवाह होंगे कि राजा ने रानी के लिए अपनी जान दे दी। आई लव यू रानी। आई लव यू। आई लव यू। जा सकती थी राजा। मेरी जान तुम हो। मैंने तो यूं ही कहा था। मैं भी यूं ही अपनी जान दे देता। ये पागलपन है। नहीं। ये प्यार है। सिर्फ दो मुलाकातों में इतना प्यार? यकीन नहीं आता तो अपने दिल से पूछो, उसकी धड़कन से पूछो, अपनी सांसों की तेज रफ्तार से पूछो। पूछा क्या? कहा आई लव यू। आई लव यू।
दिल मुझसे जुदा क्यों हुआ, ये तुझ पे फिदा क्यों हुआ, ना तेरा ही लेने लगा, ये दीवाना सा क्यों हुआ, रुका इसे माना नहीं, तेरा होना था हो गया, याद तेरी क्यों आने लगी, जान मेरी क्यों जाने लगी, आँख मेरी क्यों रोने लगी, मेरी क्यों गाने लगी, नगमे वफा के जी भर के गाने, अश्कों से दिल की आग बुझाने, नगमे सुनाऊंगा झूम के गाऊंगा, तुमसे करूंगा वफा, जाने कहता है क्यों, ना तेरा ही लिखता रहूं, तू मुझको बस इतना बता, प्यार तेरा कहां मैं रखूं, अपना बनाऊंगा तुझको ले जाऊंगा, सुन ले मेरी दिल रुबा, रात रुक रुक के ढलने लगी, चाँद रुक रुक के चलने लगा, ये रिमझिम की पहली घटा, क्यों पर्वत पे छाया नशा, तेरी मुहब्बत बिखरी हुई है, हर चीज देखो निखरी हुई है, मदहोश करती है झूम के चलती है इन वादियों में हवा, चाहत के ख्वाबों को बुन, मेरा ये होगा ना कम, मैं तेरा रहूंगा सनम, सपनों की दुनिया आजा बसाए, चाहत के रंगों से उसको सजाए, अब कैसा डरना वादा ये करना, मिलके ना होंगे जुदा, दिल मुझसे जुदा क्यों हुआ, ये तुझ पे फिदा क्यों हुआ, नाम तेरा ही लेने लगा, ये दीवाना सा क्यों हुआ, रुका
माना नहीं, तेरा होना था हो गया, तेरा होना था हो गया। नहीं हुकुम। तो ढूंढो, तलाश करो, कहाँ चला गया? ये घर खा गया उसको। ढूंढो वरना किसी को नहीं छोड़ूंगा। क्या हुआ यश बेटे, क्या कर रहे हो? हमारी चीजों को यहाँ कौन हाथ लगाता है दाइमा? हमने वहाँ रखा था, वहाँ से कहाँ चला गया? क्या वहाँ रखा था और क्या चला गया? रुमाल दाइमा। आप एक मामूली रुमाल? वो मामूली चीज नहीं है दाइमा, हमारे लिए वो सबसे कीमती चीज है। इस घर में जो सबसे महंगी चीज है उससे भी ज्यादा महंगी। आप इन नौकरों से कह दीजिए दाइमा, अगर एक मिनट के अंदर वो रुमाल हमें नहीं मिला तो इन सबको लाइन में खड़ा करके गोली मार दूंगा। हुकुम। अगर हमारी किसी चीज को कभी हाथ लगाए तो चलो जाओ, जाओ, छोड़ दो हमें अकेला। चलो बाहर, चलो। काफी गहरा है, टांके लगाने पड़ेंगे। रानी बेटे। जी डारी। अरे आप यहाँ क्या कर रहे हैं? क्या तुम इन्हें जानती हो? हाँ डारी, ये तो वही है ना जिन्होंने मुझे उस तूफानी बरसात में लिफ्ट दी थी। I'm sorry, मैंने उस दिन आपका नाम नहीं पूछा। यश, यशवर्धन। डारी, ये मिस्टर यशवर्धन है और यश जी ये मेरे डैडी है। हाँ पता है पता है, जाओ ड्रेसिंग का सामान ले आओ। टाके लगा रहा हूं, दर्द होगा, जरा सह लेना। जी। बेटे तू जरा ड्रेसिंग कर दे, मैं हाथ धो लेता हूं। ओके डारी। तो आपने बताया नहीं कि आपका हाथ जख्मी कैसे हुआ? वो हम सेब काट रहे थे, छुरी तेज थी, हाथ कट गया। सेब काटना नहीं आता तो काटते क्यों? किसी नौकर से क्यों नहीं कह दिया? इतनी बड़ी उम्र में बच्चों की तरह हाथ काट लिया, देखिए ना खामखा इतना खून बह गया। मगर आपको देखकर ये तो नहीं लगता कि आपके घर में नौकर नहीं होंगे? यश साहब, कहीं आपने जानबूझ के तो अपना हाथ नहीं काट लिया जी? ये लीजिए, आपकी पट्टी हो गई। थैंक यू। यजी, टाके लगाते वक्त आपको जरा भी तकलीफ नहीं हुई? तकलीफ तो टाके टूटने पर होती है। ये आपने बिल्कुल सही कहा। अच्छा, कल आके ड्रेसिंग जरूर करा लीजिएगा। जी अच्छा। राजा, हम एक ही मुल्ले में पैदा हुए, एक ही स्कूल में गए, एक ही कॉलेज में गए, अपनी ससुराल भी एक ही होनी चाहिए। क्या मतलब? मतलब अब रानी तेरी कोई बड़ी बहन नहीं, छोटी, ज्यादा छोटी तो नहीं है ना? अपने पापा की एक लौती बेटी। लेकिन मासी चाची किसी को तो लड़की होगी। अरे देख लक्ष्मी, तू अपने कैंटीन में जाकर कुछ खाने पीने का इंतजाम कर। लेकिन मेरा, तब तक मैं तुम्हारा मामला। हाँ, लेकिन इस कैंटीन का पानी भी मेरे नसीब में नहीं है। कैंटीन तो तुम्हारा है ना? मेरा नहीं, मेरे बाप का है। एक नंबर का कंजूस है, चीनी के दाने भी गिन गिन के चाय में डालता है। अब देख भाई, इतने दूर पैदल आए तुम्हारे कैंटीन तक, भूखे तो नहीं जाएंगे। लेकिन एक काम करते हैं, तुम्हारे बाप को पटाने की कोशिश करते हैं। राइट, गुड आइडिया। अब यार 25 26 27 28 29 30 32
अबे अबे 30 के बाद 31 आता है, 32 नहीं। बापू आपकी आंखें धोखा खा रही है, दो दाने सरकाए और कह रहे 31। ऐसा धंधा करोगे तो मर जाओगे। तो गए फिर। अच्छा एक बार तू गिनकर बता दे। हाँ लेकिन बापू चाय और बिस्किट देना पड़ेगा। क्या मारूंगा एक लाफा तो गिरेगा पहाड़ के नीचे। मेरी बात सुनो। जब करेगा नुकसान की बात करेगा। मैं आपका बेटा हूँ। जा यहाँ से, मैं खुद गिर लूंगा। जा, चल जा यहाँ से। अरे ओ भैया, अरे इतनी सारी खाने पीने की चीज छोड़कर तुम इस कढ़ाई में काहे घुसे हो? ये कढ़ाई किसकी है? क्या ये कढ़ाई किसकी है? अरे लोहे की है। अरे वाह, इसमें आपको सिर्फ लोहा नजर आ रहा है? क्यों, तुमको क्या नजर आ रहा है? अरे इसमें तो मुझे सारा मुगले आजम नजर आ रहा है भाई। मुगले आजम? और इस कढ़ाई में कहाँ से ली? अरे ये हमारे दादा के जमाने की है भैया। ये वही कढ़ाई है। देखिए साहब, मैं आपको 2000 रुपये देता हूँ, मुझे एक कढ़ाई चाहिए। 2000 रुपये बगैर हैंडल की कढ़ाई के 2000 रुपये? ऐसी कौन सी बात है? इधर आओ। ये वो कढ़ाई है जिसमें अनारकली सलीम के लिए पकौड़े तलती थी। हाँ। अनारकली सलीम पकौड़े? अच्छा 3000, लेकिन मुझे कढ़ाई दे दो प्लीज। धंधे पानी की बात तो बाद में होगी भैया, कुछ नाश्ता पानी नहीं करोगे? अबे और लास्ट डालो मत मोतीलाल। 5000। 5000 रुपया? शर्म नहीं आती? 5000 बोलकर तुम इस कढ़ाई की तौहीन कर रहे हो। तुम्हें पता नहीं इस कढ़ाई में अनारकली ने सलीम के लिए पकौड़े तले थे। इस कढ़ाई की कीमत कम से कम 10000 रुपए होनी चाहिए। मैं 20000 देती हूँ, पैक कर दो। देखा, इसे कहते कदरदानी। अबे ओ लक्ष्मी का बच्चा, अरे नाश्ता पानी नहीं लाओगे इसके लिए? बापू मैं भी करूँ नाश्ता। अबे तू, ए तू बेशक नाश्ता करवा, लेकिन कढ़ाई मैं लेकर जाऊंगा। 25000। 25000? 30000? 40000? 40000? 50000? 50000? 60000? 70000? बापू आउट, नस्ताई, अनारकली और मुगले आजम। वो तो सो गया। यश, आप अपनी घड़ी वहां भुलाए बेटा। जी दाइमा। दाइमा हम तो ये सोचकर गए थे कि आज हम रानी के पिता से बात करेंगे, लेकिन वो तो वहां थे ही नहीं, इसलिए हम अपनी घड़ी वहां छोड़ा है। दाइमा, रानी के पिता बहुत इज्जतदार आदमी है, इसलिए घड़ी लेकर जरूर वापस आएंगे। और दाइमा, आप हमारे बुजुर्ग होने की हैसियत से उनसे बात जरूर कीजिएगा, उनकी बेटी का हाथ जरूर मांगिएगा। जरूर मांग लूंगी बेटे, और हमें विश्वास है कि वो इनकार नहीं कर पाएंगे, और ना ही उनकी इनकार करने की हैसियत है। आज हम आपकी बात जरूर पक्की करके रहेंगे। हुकुम, आपसे कोई मिलने आया है। ठीक है। रानी जी, आप? अरे रानी जी, आप यहां? ये लीजिए आपकी घड़ी, पता है कितनी कीमती है? अगर किसी और के हाथ लग जाती या कोई इसे उठाकर ले जाता तो हमारी इज्जत का तो धुआं हो जाता ना। खैर, आपने इसे लाने की जहमत क्यों की? तो क्या पिताजी से कहती? कितनी शर्म की बात है, वो तो खुद आने वाले थे, मैंने ही उनको मना कर दिया। नमस्ते, मेरा नाम रानी है, आप? ये हमारी दाइमा है। और दाइमा, ये है रानी। अच्छा अच्छा। तो मैं चलूं? जी। अरे ऐसे कैसे जा सकती हैं आप? और क्या करें, बड़े कंजूस आदमी हैं आप, अभी तक एक कप चाय के लिए भी नहीं पूछा। हम चाय का इंतजाम करते हैं। यश बेटे, तब तक आप इन्हें महल दिखाइए। जी चलें। चलिए। तो रानी जी, आप बताइए, आपको कैसा लगा हमारा ये महल? अच्छा है, मगर बुरा ना माने तो एक बात कहूं। कहिए। बाहर से ये एक मौसम्बी के जूस निकालने वाली मशीन के जैसी लगती है। आप हंसते हुए बहुत अच्छे लगते हैं, हमेशा क्यों नहीं हंसते? अगर आप चाहती हैं तो हम हमेशा हंसते रहेंगे। प्रॉमिस? प्रॉमिस। ओ वाओ, ये पियानो कौन बजाता है? हम बजाते थे कभी कभी। बजाइए ना। अब तो प्रैक्टिस ही नहीं रही। नॉनसेंस, प्रैक्टिस कुछ नहीं, चलिए जल्दी से बजाइए। फिर कभी। कैसे कुंवर जी आप,
घर आए मेहमान की फरमाइश पूरी नहीं करेंगे, अब तो आपको गाना भी पड़ेगा। चलिए जल्दी से बैठिए। कई तरह हाथ छूट जाता और हम नीचे गिर जाते तो? ये दोस्त के हाथ हैं, जो कभी चूक नहीं सकते। लेकिन अब मैं सोच रहा हूं कि तुम्हें यहां से फेंक ही देता तो बेहतर होता। वो क्यों? अरे कहां था तू? इतने दिनों से मिलने क्यों नहीं आया? अच्छा, अगर हम नहीं आए तो बदला लेने के लिए तू भी नहीं आया। देख यार, ये बदला लेना, खुन्नस निकालना, आप जैसे रजवाड़ो वालों का काम। अरे तेरे पास तो कार है। अरे कार क्या कारें हैं, हम बेकारों से मिलने के लिए एक राउंड हॉस्टल का नहीं लगा सकता था? हे, देख राजा, तू चाहे हमें कहीं भी मार ले, लेकिन हमारे चेहरे पे मत मार यार। क्यों, तेरा चेहरा कौन देखने वाला है? ऐसी क्या खराबी है हमारे चेहरे में? हमारा चेहरा देखने वाला भी तो कोई खास हो सकता है। हो सकता है या हो सकती है? ओके, अब बात समझ में आई कि जनाब इतने दिनों से क्यों नहीं मिले, क्यों इस तरह अकेले छत पर खड़े होकर किसी का तसव्वुर किया जा रहा है। कौन है वो जिस पर हमारे यार का दिल आ गया है? हा? बताएंगे कभी? कभी नहीं, अभी। क्योंकि अगर तुमने मुझे बता दिया कि तुम्हारा दिल किस पर आया है, तो शायद मैं भी तुम्हें बता दूं कि मेरा दिल किस पर आया है। तो राजा साहब भी इश्क फरमा रहे हैं, लेकिन राजा
अगर तुम हमारी रानी को देखोगे तो तुम्हारी आंखें चौंधिया जाएंगी। जवाब तो हमारी रानी का भी नहीं है। तो ठीक है, लग गई शर्त। तुम अपनी रानी को ले आओ और हम हमारी रानी को ले आते हैं, फैसला हो जाएगा। फिर शर्त? हार जाएगा। नहीं दोस्त, ये शर्त हम नहीं हारते। तो ठीक है, कल शाम 6:30 बजे सनसेट पॉइंट। कैसे लग रहे हैं हम दाइमा? चश्मे बद्दूर, बहुत अच्छे लग रहे हो। रानी के पिता से उसका हाथ मांगने जा रहे हो ना? जी दाइमा। खाली हाथ जाना इस महल की तौहीन है। ये लो, ये हार उसे पहना देना। जी ठीक है दाइमा। मेरे प्यार पर यकीन नहीं है? तुम्हारे प्यार पर यकीन है राजा, लेकिन इस प्यार के लिए एक उम्र काफी नहीं है। और ये रानी तुम्हारी हमेशा हमेशा के लिए हो जाना चाहती है। हमेशा का मतलब जानती हो? हमेशा वो जगह है जहां मौत के हाथ कभी नहीं पहुंचते। वो आसमान है जहां प्यार को परवाज मिलती है। ये दुनिया, चांद, सितारे सब हमेशा में शुरू हुए और हमेशा में ही खत्म हो गए। लेकिन हमेशा कभी नहीं खत्म होता, क्योंकि प्यार का दूसरा नाम हमेशा है ना। आँखों में
जब से खुश रंग है जिंदगी दिल में तो ही तो हमेशा हमेशा सर पॉइंट तो आ गया कहाँ है तुम्हारा दोस्त यही नीचे तो चलो ना नहीं रानी तुम यहीं रुको मैं उस सारे की शक्ल एक बार देखना चाहता हूँ इसके पहले कि वो शर्त हार जाए कैसी शर्त प्लीज रानी सिर्फ 5 मिनट ओके आई लव यू लव यू ओ यश अकेले अपनी जान को नहीं लाए अरे छुपा रखा है तो सामने ले आ यार छीन थोड़ी लूंगा मेरे पास अपनी है क्या बात है यार तू ठीक तो है सुना है जिंदा हूं अरे मजाक मत कर यार बता ना कहां है तेरी जान हमारी जान को हमसे कोई छीन कर ले गया और तू चुपचाप खड़ा देखता रहा वो शख्स हमारी जिंदगी का एक हिस्सा है वो भी हमारी जान है जो हमारी जान को हमसे छीन कर ले गया तू जिसके टुकड़े करने की बात कर रहा है वो हमारे जिगर का टुकड़ा है तब तो मौत भी उसके लिए कम है दुश्मन अजनबी हो तो माफ किया जा सकता है मगर एक दोस्त बनकर इतना बड़ा धोखा देख यश सारे रिश्ते भगवान बनाकर भेजता है माँ बाप भाई बहन मगर दोस्ती दोस्ती एक ऐसा रिश्ता होता है जो इंसान खुद बनाता है उससे बड़ा कोई रिश्ता नहीं होता और दोस्ती में दगा देना ये तो सबसे बड़ा गुनाह है अरे अपनी दोस्ती के खातिर लोग अपनी जान तक दे देते हैं यश ये सब किताबी बातें हैं राजा जो सिर्फ किताबों में ही अच्छी लगती हैं जिंदगी से इन बातों का कोई वास्ता नहीं चल मेरे साथ चल अरे चल ना चल ये खाई देख रहे तू यहां से अगर कोई गिर जाए तो उसका जर्रा जर्रा नजर नहीं आएगा तो कुछ नहीं कुछ नहीं राजा हे राजा क्या कर रहा तू अब ये किताबी बातें नहीं है यश ये हकीकत है अब मेरे और मौत के बीच में सिर्फ दोस्ती का हाथ है अगर तेरा हाथ चूक गया तो मैं सीधा मौत के मुंह में चला जाऊंगा मगर मैं जानता हूं ये एक दोस्त का हाथ है जो कभी चूक नहीं सकता इसे कहते हैं दोस्ती और इसे कहते हैं भरोसा एक बात बता राजा तुझे अपनी दोस्ती या मोहब्बत में से किसी एक को चुनना पड़ा तो तू किसे चुनेगा तू अपनी मोहब्बत को चुनेगा ना हम भी वही कर रहे हैं हमारी मोहब्बत रानी है हम तुमसे मोहब्बत करते हैं मतलब मोहब्बत का नाम अरे मोहब्बत तो हमने की थी मुझसे प्यार करने के बारे में तुमने सोचा कैसे प्यार करने का हक तुम्हें
तुम्हें दिया किसने? सिर्फ इसलिए कि तुम कुंवर यश बदन हो। हम ये कभी बर्दाश्त नहीं कर सकते कि तुम किसी और की हो जाओ। क्यों? क्या मैं तुम्हारी खरीदी हूँ, बांधी हूँ, गुलाम हूँ, क्या हूँ? हम तुमसे प्यार करते हैं। तो मुझे तुम तो दोस्ती की लायक भी नहीं हो, प्यार तो दूर की बात है। अरे प्यार तो हमने किया था, साथ जीने और मरने की कसमें हमने खाई थी। तो क्या हुआ अगर तुमने हमें साथ जीने नहीं दिया? तुम हमें साथ मरने से नहीं रोक सकते कुंवर यशवर्धन, मौत पर तुम्हारा हुक्म नहीं चल सकता। रुक जाओ रानी, तुम्हारे बगैर हम मर जाएंगे। रानी मर सकते हो तो दिखा दो मरकर। नहीं यशवर्धन, तुम्हारी आंखों में मौत का खौफ है। अरे जिसमें मरने की हिम्मत नहीं है वो प्यार क्या करेगा? मेरी आंखों में देखो यश, इनमें कोई खौफ, कोई डर, कुछ नहीं है। क्योंकि मैं अपने राजा के पास जा रही हूँ और मेरी मौत का नजारा तुम्हें जिंदगी भर ना जीने देगा और ना मरने देगा। तुम एक जिंदा लाश बनकर रह जाओगे यश। सच्चे प्यार के लिए सिर्फ एक जन्म काफी नहीं होता यश। हम फिर जन्म लेंगे, हम वापस आएंगे और हम एक होंगे। नहीं रानी। और तुम कुछ नहीं कर सकोगे। रुक जाओ रानी, रुक जाओ। गुड मॉर्निंग मोहन जी, हमारे आज के अपॉइंटमेंट्स बताइए। सर 10 बजे आपको टी गार्डन का दौरा करने जाना है, 10:45 को जंगल देखना है जो हमने नया खरीदा है, और दोपहर हॉलैंड से आए हुए ट्यूलिप कंपनी के मालिकों के साथ एक्सपोर्ट के कॉन्ट्रैक्ट पर साइन करना है, और शाम की फ्लाइट से आपको बॉम्बे जाना है। Excuse me, sir. Soft drink? No, thank you. प्यार के लिए सिर्फ एक जन्म काफी नहीं होता यश। हम फिर जन्म लेंगे, हम वापस आएंगे और हम एक होंगे। और तुम कुछ नहीं कर सकोगे। Thank you.
बापू लेटे रहो, लेटे रहो। आज बड़ी देर कर दी बेटे। हाँ बापू आज देर हो गई, लेकिन देखो बापू मैंने कितने नोट कमाए हैं। अब मैं थारी को शहर लेके जाऊंगी, थारी दिल का इलाज करवाऊंगी। मारा पीसा वापस कर बनवारी। नहीं, मारे कलेजे में आग लगी है, सवेरे से दारू का एक कतरा भी अंदर नहीं गया। अरे ये पीसा तो मैं थारी को सात जन्म में ना दूं। ये पीसा सिर्फ बाबूजी के इलाज के लिए, समझा? अरे मैं भी तो बाबूजी का बेटा हूँ, सौतेलाई से पर थारा भाई हूँ। बाबूजी के इलाज के लिए थारे पास पैसे हैं, और भाई की दवा दारू का तेरा को कोई ख्याल नहीं। आज तक तन्ने मारी सारी कमाई दारू में डुबो दी, बस अब नहीं, मारा पीसा वापस कर बनवारी। नहीं नहीं देगा? नहीं। देख बनवारी कैंची डाल दूंगी। तू मन्ने मारेगी अपने भाई को? पेट काट डालूंगी थारा, तू जानता है मारा गुस्सा। बाबूजी के लिए मैं सारी दुनिया को काट डालूं? वापस कर मारा पीसा। अरे तू तो सचमुच खून करने पर उतर आई। मार डालूंगी। ले पूरा पीसा वापस कर। ले करवा ले, करवा ले, इस बुढ़े का इलाज करवा ले। अरे दिल का सुराग बंद करने से मौत का सुराग बंद नहीं होगा। पहले दो दिन जीने वाला था, दो महीने जी लगा, अरे कौन सा दो साल जी लेगा। तू जाता है कि नहीं? जाता हूँ। क्या जमाना आ गया भाई, बड़े भाई को धमकी देती है, बुढ़े बाप का ख्याल रखती है, लेकिन जवान भाई का कोई ख्याल नहीं रखता। सुनो। तुम्हें पैसों की बहुत जरूरत है। हाँ बाबूजी, जैसे भूखे को रोटी की, ऐसे बलवारी को पैसे की बहुत जरूरत है। तुम्हारी जरूरत पूरी हो जाएगी। है? हमारे साथ होटल पैलेस चलो। अच्छा बाबूजी, अच्छा अभी। माए बाप, इतने पैसे के लिए अपनी सौतेली बहन तो क्या पूरे खानदान को ही बेच दो। समझो आपका काम हो गया, माए बाप हो गया। अरे वो कह रहा था कि रेशमा क्या लाजवाब कलाकार है, और वो बाबूजी का इलाज भी करा देगा अगर रेशमा उसके साथ शहर चलकर अपने नाच गाने का प्रदर्शन करे। इस बहाने बाबूजी भी अच्छे हो जाएंगे, रेशमा का नाम भी हो जाएगा, और वो मालदार भी हो जाएगी। बोल क्या इरादा है? पता नहीं क्यों मन ने थारी बातों पर विश्वास नहीं हो। ले मैं बापू की सर की कसम खा के कहता हूँ कि ये बात रुपए में दो रुपए सच है। ए बापू समझाना इसे। बेटे मान जाए की बात, देख बेटे मौको भी अच्छो है और तने भी इस दलदल से छुटकारा मिल जाएगा, और मने मने बीमारी से बेटे मुक्ति मिल जाएगी, मान जाए की बात। ठीक है बापू, थारी खातिर मान जाऊंगी, मगर ये बाबू है कौन? आइए साहब जी। बाबूजी ये साहब जी हैं। राम राम। नमस्ते। ये रेशमा है। जानता हूँ। साहब जी आप हमारे बाबूजी का इलाज करवाएंगे ना? हाँ। अरे तो फिर देर किस बात की, तुम तैयारी करो जाने की, जाओ। हाँ जा बेटा। ये अंधेरा क्यों है? हुकुम बिजली चली गई है। ताई माई हमारे मेहमान हैं, इनके रहने का इंतजाम कीजिए। जी आप लोगों का कमरा है। धन्यवाद। आप लोग सफर से थक गए होंगे, आराम कीजिए, आप लोगों के खाने पीने का प्रबंध यही हो जाएगा।
कैश बेटे, ये लड़की कौन? रेशमा, हम इसे जैसलमेर के रेगिस्तान से लाए हैं। ताईमा, हम चाहते हैं आप रेशमा को रानी बना दें। चलो उठो बापू, वैजी ने थारे को सुबह सुबह पैदल चलने को कहा है। चलो उठो बापू। बापू, बापू, हमारे बापू, उन्हें इलाज के लिए अस्पताल भेज दिया गया है। अस्पताल? उन्हें यहाँ इलाज के लिए लाया गया था, सो आज से उनका इलाज शुरू कर दिया गया है। आज से आप भी अपना काम शुरू कर दीजिए। खूबसूरत, हमने 22 साल बाद किसी की तारीफ की है। आज आप कुंवर जी के सामने पेश करने के काबिल हो गई हैं। हम तुम्हें कोई तोहफा देना चाहते हैं। अकेला छोड़ दो हमें। जी हुकुम। हाँ।
प्यार के लिए सिर्फ एक जन्म काफी नहीं होता यश, हम फिर जन्म लेंगे, हम वापस आएंगे और हम एक होंगे और तुम कुछ नहीं कर सकोगे। अरे अपनी दोस्ती के खातिर लोग अपनी जान तक दे देते हैं यश, और दोस्ती में दगा देना ये तो सबसे बड़ा गुनाह है। फिर एक दोस्त बनकर इतना बड़ा धोखा। सपना देखा? नहीं दाइमा, वो सपना नहीं था, वो सपना नहीं था दाइमा, वो मर गया दाइमा, वो मर गया, उसने उसका हाथ छोड़ दिया दाइमा, उसने उसे मार डाला, वो मर गया दाइमा, उसने उसे मार डाला, वो मर गया दाइमा। फिर वही सपना? हाँ। पता नहीं दाइमा, जिंदगी हमारे साथ कैसा मजाक कर रही है, उसे पूरी तरह से सब कुछ याद नहीं आ रहा है, और अगर याद आ गया तो इस बात का बस एक ही तोड़ है, आप फौरन शादी कर लीजिए उनसे। एक बार शादी हो जाएगी तो पिछले जन्म इस जन्म के सारे अंतर खत्म हो जाएंगे। रानी बेटी ये लीजिए। ये क्या है? इस रजवाड़े की परंपरा, इस महल का सबसे कीमती पोशाक। लेकिन आप ये मेरे पास क्यों लाई हैं? आज आप पहनेंगी इसे। मैं इसे नहीं पहन सकती दाइमा। दोबारा ऐसी बातें मत कीजिएगा, इससे महल का अपमान होता है। आज बहुत खुशी का दिन है, ये पोशाक पहननी ही पड़ेगी। लो बेटी। हेलो। हेलो कुंवर साहब, कैसे हैं आप? एसीपी साहब बहुत अच्छा। क्या बात है कुंवर साहब, इतने सालों बाद ये महफिल सजी है, ये महल सजा है। उससे भी ताज्जुब की बात यह है कि आपके चेहरे पर थोड़ी सी मुस्कान नजर आ रही है, कोई खास बात है? आज हमारी सगाई है। कौन है वो खुशनसीब? रानी। लेडीज एंड जेंटलमैन, योर अटेंशन प्लीज। आप सब ताज्जुब कर रहे होंगे कि इतने सालों बाद फिर से इस आलिशान महल में यह महफिल क्यों सज रही है। इसका कारण यह है कि हमारे अजीज दोस्त कुंवर यशवर्धन की सगाई का ऐलान किया जाता है मिस रानी के साथ।
जाना था। पार्टी छोड़कर क्यों चली आई? आपने बिना हमसे पूछे सगाई का ऐलान कर दिया। हमने अपनी जिंदगी में जितने भी फैसले किए हैं सिर्फ अपनी मर्जी से किए हैं। किए होंगे लेकिन वो आपकी जिंदगी के फैसले थे। हमारी जिंदगी का फैसला करने का आपको कोई हक नहीं। हक? हम जिस चीज को पसंद करते हैं उस पर हमारा हक हो जाता है। क्या मतलब है आपका? हम तुमसे प्यार करते हैं रानी। बड़ा ताज्जुब हुआ आप जैसे बड़े आदमी के मुंह से ऐसी छोटी सी बात सुनकर। रानी ये छोटी सी बात नहीं है। बिल्कुल छोटी बात है। और आप पहले याद कीजिए कि आप क्या वादे करके जैसलमेर के रेगिस्तान से एक बंजारन लड़की को इस महल में लेकर आए। क्या वादे किए थे आपने? यही ना कि आप हमें कलाकार बनाएंगे, सारे संसार के सामने हमारी कला को पेश करेंगे और बदले में आप हमारे बापू का इलाज करवाएंगे। बस हमारे और आपके बीच एक जबानी समझौता था, इसके अलावा हमारा कोई संबंध रिश्ता कुछ नहीं है। तो फिर किस अधिकार से आपने हमारे साथ सगाई का ऐलान करके हमारे जज्बातों को गाली दी? सुनो रानी, हम तुमसे नहीं, पहले आप सुनिए। हम इस महल में रहकर घुट गए हैं। इन मुर्दों के माहौल में रहते रहते खुद को मुर्दा समझने लगे थे, लेकिन फिर भी हमने खामोशी से शराफत से सब कुछ सह लिया। लेकिन आज आपने शराफत की दीवार गिरा दी। बहुत ज्यादा बोल रही हो तुम रानी। मैं नहीं, आप कुछ ज्यादा बोल गए हैं। क्या समझकर आपने सगाई का ऐलान किया? हमने कभी आपको उस निगाह से नहीं देखा। तो फिर आपने हमसे प्यार करने के बारे में सोचा कैसे? प्यार करने का हक आपको दिया किसने? हम क्या की बांधी है, खरीदी हुई है, गुलाम है, क्या है? आपको हमारे साथ नीचे चलकर सबके सामने अपने शब्द वापस लेने ही होंगे, वरना हम
के लिए। सकता यहाँ पर, लेकिन चाचू मैं खामोश। बहस करेगा तो जूते मार मार के मुंह का जुग्राफिया बिगाड़ दूंगा। हरामखोर, नालायक, बदतमीज, आ तो तुझे मैं इस घर से निकाल के रहूंगा। चल निकल पे, निकल यहाँ से तू। मगर मैं चल पतली गली पकड़, अबे पतली गली पकड़ ले, नहीं तो महल वाले तुझे फांसी के तख्ते पे लटका के तेरी इस बेसुरी गर्दन की गली को पतला कर देंगे। अबे तू किसी जन्म में कुछ नहीं बन सकता है, तेरी तकदीर गोबर के कागज पे कोयले से लिखी हुई है। तू भूखों मर सकता है, भीख मांग सकता है, मगर और कुछ नहीं कर सकता। चल निकल यहाँ से, निकल। अरे ठीक है चाचू, चला जाता हूँ, लेकिन कसम से एक बात मेरे पल्ले नहीं पड़ी। मैंने वो गाना जहाँ भी गाया, जिस महफिल में गाया, मैंने स्कूल में गाया, मैंने कॉलेज में गाया, हमेशा इनाम पाया मैंने। अरे बड़े बड़े गवैयों ने मेरी तारीफ की है चाचू, मुझे क्या मालूम था कि वो... अबे जानलो मैं क्या, तेरा गाना, तेरे गवैये, तेरी महफिल, फिर साला कुत्ते की टेढ़ी दूंगी तरह हुज्जत किए चला जा रही है। मुझे नहीं सुनना तेरी सफाई, निकल जाएगा बाहर हरामखोर। मेरी बुद्धि की तरह मेरी तकदीर भी मारी गई थी, मत मारी गई थी मेरी। मैंने महल के मैनेजर से जाके हाथ जोड़े कि भैया मेरे मेरे भतीजे से गाना गवा लो, वो अच्छा गाता है, उसका नाम हो जाएगा शौक, उसको दो पैसे मिल जाएंगे। मुझे क्या मालूम था कि ये फटागला ऐसा गाना गाएगा कि सगाई की महफिल की दुल्हनी बेहोश हो जाएगी। चल निकल यहां से, चल। अरे ठीक है चला जाता हूँ, लेकिन मेरी एक बात याद रखना, जिस दरवाजे से आप मुझे निकाल रहे ना, उसी दरवाजे से एक दिन एक फरिश्ता आएगा और मेरी तकदीर का सितारा बदल देगा। ऐसा कुछ नहीं होगा बेटे, तकदीर का सितारा नहीं आएगा, पुलिस वाला आएगा, तुझे फांसी के तख्ते पे लटकाएगा, या तेरी गर्दन काट के या मेरी जमीन को लाल कर देगा। मैं तेरे आगे हाथ जोड़ता हूँ, तू जाए यहाँ से। कुंवर साहब ने राजू को बुलाया है।
राजा साहब, आपने मुझे बुलाया? यहां आओ। जी, ये खाई देख रहे हो, यहां से अगर कोई गिर गया तो उसका जर्रा जर्रा तक नजर नहीं आएगा। राजा साहब, मैं तो खुद आपके पास माफी मांगने आने वाला था। मैं तो आया था आपका और आपके मेहमानों का मन बहलाने। मुझे क्या पता था कि मेरा गाना सुनकर आपकी मंगेत। ये गाना तुमने कहां से सीखा? सीखा नहीं सर, बचपन से गा रहा हूं। लेकिन जहां भी मैंने ये गाना गाया है, स्कूल में, कॉलेज में, फंक्शन में, लोगों को पसंद आया है सर। करते क्या हो राजू? कलाकार हूं सर, नाचता हूं, गाता हूं, लोगों का मन बहलाता हूं। तो फिर यहां क्या कर रहे हो? बॉम्बे क्यों नहीं चले जाते? बॉम्बे? मैं वहां कैसे जा सकता हूं सर? मैं आदमी इतना छोटा और वो शहर इतना बड़ा। और वैसे भी हम गरीबों के सपने दिल में पैदा तो हो जाते हैं मगर दिमाग में मर जाते हैं। एक बात बताओ राजू। जी। अगर तुम्हें अपने सपनों और अपनी हकीकत में से किसी एक को चुनना पड़ा तो तुम किसे चुनोगे? तुम अपने सपनों को चुनोगे ना? तुम्हारे सपने मरेंगे नहीं राजू, तुम एक बहुत बड़े कलाकार बनोगे। अगर इसके लिए तुम्हारा बॉम्बे जाना जरूरी है सर। मैंने सोचा आप तो मुझे सजा देंगे, आपने मुझे इतना बड़ा इनाम दे दिया। ये इनाम नहीं, हमारा प्यार है। लेकिन राजू, ये गाना यहां दोबारा कभी मत गाना। यहां इस गाने की कदर कोई नहीं करेगा। इस गाने में छुपा हुआ दर्द सिर्फ हम जानते हैं। सर, मेरी समझ में नहीं आ रहा कि मैं आपका शुक्रिया अदा कैसे करूं। शुक्रिया की नहीं, मेहनत की जरूरत है। बॉम्बे जाने की तैयारी करो। होश आ गया है, डॉक्टर साहब को बुलाओ और कुंवर जी को खबर कर दो। कैसी हो तुम? अब ठीक हूँ। डॉक्टर्स का कहना है कि अब हम तुम्हें यहाँ से ले जा सकते हैं। मैं अपने बापू के पास जाना चाहती हूँ। देख बेटे, मैं पिछले जन्म के बारे में तो कुछ नहीं जानता, सिर्फ इतना जानता हूँ कि इस जन्म में और आने वाले हर जन्म में तो मेरी बेटी रहेगी और अपनी बेटी की जिंदगी, उसका प्यार बचाने के लिए मैं अपनी जान भी दे दूंगा। बापू आप? हाँ बेटे, मगर तू चिंता मत कर। गरीब सही मगर तेरा बाप अभी जिंदा है, तुझे तेरी मंजिल तक पहुंचाए बिना दम नहीं तोड़ेगा बेटे। लेकिन बेटे, ये लोग बड़े चल्लाद हैं, इनके पास दौलत है, ताकत है, हमें बड़ी होशियारी से काम लेना होगा बेटे। जब तक कोई रास्ता नहीं निकल आता, हमें इनकी हाँ में हाँ मिलानी पड़ेगी। हाँ। बाबूजी, परसों का मुहूर्त निकला है, ये रहा शादी का कार्ड। बाबूजी आप अपनी बेटी से पूछ लीजिए इनकी क्या क्या फरमाइशें हैं। दुल्हन की हर फरमाइश पूरी करना इस घर की परंपरा है। ये अच्छा है।
देखिए, ये देखो बेटी, वो वाला दिखा ना दाइमा, ये भी देखिए, दुल्हन पे ये भी अच्छी लगेगी। कुंवर जी की शादी है, सारा शहर सजेगा। अच्छी है ना? वो बने, हाँ। ये रंग भी खिलेगा। साहब? मेम साहब नहीं, रानी जी। मेरे कहने का मतलब यही था, आप उस महल की होने वाली बहू हैं, राजा साहब की मंगेतर हैं, तो आप रानी साहिबाई हुई ना? नहीं राजा, मैं तुम्हारी रानी हूँ। कैसी बातें कर रहे हैं आप मेम साहब? मैं सच कह रही हूँ। एक मिनट मेम साहब, सबसे पहले आप अपनी ये गलती सुधारिए कि मैं राजा नहीं हूँ, मैं राजू, राजू शाहबादी, दैट्स इट। तुम राजा हो, मेरे राजा। भगवान के लिए मेम साहब, ऐसी बातें मत कीजिए, आप उस महल की होने वाली बहू हैं। मैं किसी की बहू नहीं हूँ, मैं सिर्फ तुम्हारी रानी हूँ, और इस रानी ने सिर्फ तुम्हारे लिए दोबारा जन्म लिया है। दोबारा जन्म? याद करो राजा, तुम्हें तो कहा था ना कि राजा ने सिर्फ रानी के लिए जन्म लिया है। मैंने कहा था। और तुम कहते थे? देखिए मेम साहब, मुझे लगता है उस बेहोशी के दिन के बाद आप अपना मानसिक संतुलन कुछ खो बैठी हैं। मैं आपके लिए एक गिलास ठंडा पानी लाता हूं। याद करो राजा, जिसे तुम राजा साहब कहते हो यश, वो तुम्हारा सबसे जिगरी दोस्त था, उस पर तुम्हें पूरा भरोसा था, लेकिन उसने तुम्हें धोखा दिया। उस दिन पहाड़ी पर उसने तुम्हारा हाथ छोड़ दिया और तुम गिरकर मर गए। उसने तुम्हें मार डाला राजा, याद करो। मुझे मार डाला? हाँ। यानी कि मैं मरा हुआ हूँ, तो आपके सामने कैसे खड़ा हूँ फिर मेम साहब? ये अपने आप से पूछो, अपने दिल से पूछो, अपनी आत्मा से पूछो राजा। हमने मौत की दीवारों को तोड़कर सिर्फ एक दूसरे के लिए जन्म लिया है। मैं रानी हूँ और तुम राजा हो। नहीं, मैं राजू हूँ और तुम पागल हो। अरे चने खरीदने के लिए पैसे नहीं है मेरे पास, और तुम कह रहे हो कि मैं राजा हूँ। बस देखिए मेम साहब, ऐसी बातें ना तो मुझे सूट करती हैं, ना आपको शोभा देती हैं। मेरा विश्वास करो राजा, मैंने सिर्फ तुम तक पहुंचने के लिए मौत का इतना लंबा सफर तय किया है, लेकिन अब मैं थक चुकी हूँ, मैं और नहीं भटक सकती। मुझे अपना लो राजा, वरना यश जीत जाएगा और हमारा प्यार हार जाएगा। प्लीज राजा, मुझे यहां से ले चलो। क्या तुम सचमुच मुझसे प्यार करती हो? हाँ। मैं जो कहूंगा वो करोगी? खाओ मेरी कसम। तुम्हारी कसम? चलो मेरे साथ। आप जानती हैं आप क्या कह रही हैं दाइमा? आपने ऐसा होने कैसे दिया? आपने रानी को अपनी नजरों से दूर कैसे जाने दिया? दाइमा आप तो सब कुछ जानती हैं, रानी की अहमियत हमारी जिंदगी में क्या आई है, आपसे बेहतर कौन जानता है दाइमा? यश बेटा, मैं यश। कुंवर जी, ये आपकी अमानत है, बाजार में रास्ता खो बैठी थी, इसलिए मैंने यहां ले आया। शुक्रिया, तुमने इन्हें वापस लाकर इस महल का सुकून लौटाया है। मांगो, इसके बदले में तुम्हें क्या चाहिए? जी फिलहाल तो मैं सिर्फ इजाजत चाहूंगा, आपके तो मुझ पर पहले से इतने एहसान हैं, अब मांगने की गुंजाइश ही कहां रही। आज शाम को हमारी शादी है। आज शाम को आपकी शादी और आज शाम को मेरी बॉम्बे रवानगी। अजीब इत्तेफाक है,
बुजुर्गों ने कहा है, जग वालों ने ये रीत बनाई, कहीं हो मिलन तो कहीं हो जुदाई। खैर मैं चलता हूं, और मेरी तरफ से आपको अभी से शादी मुबारक। चालिया तुमने कठपुतली की तरह, बहुत सता लिया तुमने, मगर अब नहीं, अब बस मैं तुमसे कभी शादी नहीं करूंगी। तुम इस रानी को कभी दुल्हन के लिबास में नहीं देखोगे, कभी नहीं। ये तुम्हारी तमन्ना ना तो पिछले जन्म में पूरी हुई थी, ना इस जन्म में पूरी होगी, और ना ही अगले 100 जन्मों तक पूरी होने दूंगी। हाँ, मुझे सब कुछ याद आ गया है, एक एक बात याद आ गई है मुझे, तुम्हारा हर जुल्म, हर धोखा, सब कुछ। तुम्हारी हर असलियत मेरे सामने है यश, तुम एक धोखेबाज हो, खूनी हो, कातिल हो। हाँ, हम कातिल हैं, खूनी हैं, धोखेबाज हैं, लेकिन हमने कत्ल किया है तो तुम्हारे लिए, खूनी बने हैं तो तुम्हारे लिए, धोखा दिया है तो तुम्हें पाने के लिए। इस बात का हमें कोई अफसोस नहीं, और कान खोल कर सुन लो, अब तुम यही रहोगी। रानी बेटी, आपके तैयार होने का वक्त हो गया है। ताइमा, क्या तैयार होने से पहले हम बापू से एक बार मिल सकते हैं? ठीक है ताइमा, आज हमारी जिंदगी का बहुत अहम दिन है, अगर आप बुरा ना माने तो क्या हम अपने बापू से अकेले में बात कर सकते हैं? जी। ये देखो बापू। ये क्या है? ये तस्वीरें देखो बापू, ये तस्वीरें मुझे राजा तक पहुंचानी होंगी, वरना वो आज शाम की ट्रेन से बॉम्बे चला जाएगा। तो बेटे तू अभी जा उसके पास। पर मैं थारी को छोड़ के कैसे जाऊं बापू? तू मेरी चिंता मत कर बेटे, मैंने तुझसे कहा था ना, मैं तेरे लिए अपनी जान भी दे दूंगा। जा बेटे, देगी जा, देर मत कर बापू। दरवाजा तोड़ दो। जी। रानी कहाँ है? वो चली गई। यश, यश बेटे, रानी, रानी अपने कमरे में नहीं है। रानी कहाँ है? चली गई।
कहा? बाप अपनी बेटी का कन्यादान करने के बाद उसका पता किसी गैर मर्द को नहीं बताता है। कमान लुक देयर फास्ट, उस तरफ देखो जल्दी जल्दी, उधर चलो चलो। भाई नहीं चलो चलो मूव। घर खाली है। रेलवे स्टेशन। क्या बात है बेटे, तू कुछ उदास सा लग रहा है। क्या बताऊं चाचू, जो सपना बचपन से मैं आज तक देखता चला आ रहा हूं वो अब सच होने जा रहा है। मगर पता नहीं क्यों अंदर से कुछ खाली खाली सा लग रहा है। कैसी बात करता है, तू तो अपनी नई जिंदगी शुरू करने जा रहा है। बाबा मुझे लगता है मैं अपनी मंजिल के करीब तो पहुंच रहा हूं मगर अपने मुकद्दर से दूर चला जा रहा हूं। बेटा मुझे ऐसा लगता है कोई बात तुझे अंदर से खाई जा रही है। क्या बात है, मुझे नहीं बताएगा, हो सकता है मैं तेरे कोई काम आ जाऊं। बाबा जो बात मुझे खुद समझ में नहीं आ रही वो मैं आपको कैसे समझाऊं। पहली बार जब राजा साहब की मंगेतर ने मुझे सड़क पर रोका वो मुझसे कुछ कहना चाह रही थी, मुझे भी कुछ महसूस हुआ, लेकिन दूसरी बार जब पार्टी में वो मेरे सामने आई तो मेरे दिल में एक चीख सी उठी जो गीत के बोल बनकर मेरे जुबान से निकल आए। और ऐसे बोल बाबा जो आज तक मैंने ना देखे ना सुने ना पढ़े, ऐसे कैसे हो सकता है। बेटा ये सब तेरा वहम है, इस वहम को अपने रास्ते की मायूसी मत बना। और तीसरी बार जब वो हमारे घर पर आई तो उस मेम साहब ने ना जाने क्या क्या बातें की। मेरे दिल ने उसके हर बात पर एतबार करना चाहा मगर मेरा दिमाग नहीं माना। मेरे दिल ने कहा कि मैं आगे बढ़ूं और उसे अपना लूं मगर मेरे दिमाग ने कहा कि वो किसी और की मंगेतर है, इसीलिए मैं उसे राजा साहब के पास ले गया। बाबा आप ही बताओ क्या मैंने कुछ गलत किया? तो फिर जब मैंने उसे महल में छोड़ा मुझे बुरा क्यों लगा? मेरी आंखें क्यों रो रही थी? मेरा दिल क्यों टूट रहा था? बाबा जब उसने मेरा हाथ अपने हाथों में लेकर छोड़ा तो मुझे लगा मेरे हाथों से मेरी जिंदगी छूट रही है। और आज जब मुझे खुश होना चाहिए कि मैं शहर छोड़ रहा हूं, मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि मैं अपनी सारी खुशियां छोड़कर जा रहा हूं? आप ही बताओ कि देखो बेटी आज तक मैंने सब कुछ बर्दाश्त किया, सब कुछ सह लिया, लेकिन आज मैं मजबूरन बोल रहा हूं कि मेरे बेटे का नसीब शहर में है और तुम्हारा मुकद्दर राजा के महल में है, बस और कुछ नहीं। राजा का मुकद्दर और मेरा नसीब जन्मों जन्मों से एक है बाबूजी, और ये रहा इस बात का सबूत। Thank you.
रानी? क्या कहा? रानी, फिर से कहो। रानी, फिर से कहो। रानी, राजा। मुंह पे थप्पड़ मारने से क्या होगा? तकदीर ने तो तुम्हारे मुंह पे थप्पड़ मारा है। तुम हार गए यशवर्धन। अरे जब मौत उनको नहीं हरा सकी तो तुम क्या चीज हो? उनकी मोहब्बत उनका मुकद्दर है, और मुकद्दर का लिखा बदलने की कोशिश मत करना, क्योंकि जो भी मुकद्दर का लिखा बदलने की कोशिश करता है वो तबाह हो जाता है, फना हो जाता है। हमें इस ट्रेन से कूदना होगा। अगले स्टेशन पर पुलिस का पहरा भी हो सकता है, लेकिन चलती ट्रेन से कूदने में हमारी जान भी जा सकती है। मौत की परवाह हमें कब से होने लगी? श्योर तुमने पूरी ट्रेन की तलाशी ले ली? यस सर। ओके, वो लोग उस ट्रेन में नहीं है, शायद कहीं कूद गए होंगे। आपको पता है कहां गए होंगे? शायद। मेरे सपनों की रानी कब आएगी तू? अरे बाप रे, सुबह से एक भी ग्राहक नहीं, लगता है मुझे ही बोनी करनी पड़ेगी। हाय हाय हाय, अबे लक्ष्मी के बच्चे, ये क्या कर रहा है? फिर से बोला तू, दिखता नहीं प्यास लगी है, कोल्ड ड्रिंक पी रहा हूँ। अरे प्यास लगी है तो पानी पी। नहीं छोड़ेगा तू? अरे ये पानी नहीं, फिर म्युनिसिपैलिटी का पानी। मर गया फिर भी गल्ले पे ध्यान है? अबे मर गया तो क्या हो गया, मैं आज भी अपना नुकसान बर्दाश्त नहीं कर सकता। देख तू ज्यादा बकबक की ना तो तेरी तस्वीर उठा के बाथरूम में लटका दूंगा, बैठना नाक पकड़ के। है अबे नाक बंद होगी मेरी, मुंह तो खुला होगा। अबे लक्ष्मी के बच्चे, क्यों अपने खानदान की लुटिया डुबाने की कोशिश कर रहा है तू? कौन से खानदान की बात कर रहा है तू? दहेज के लालच में मेरी शादी नहीं हुई, आज तक मैं बूढ़ा कुंवारा हूँ। लगता है मेरे बाद इस कैंटीन में म्युनिसिपैलिटी का ऑफिस खुलेगा। अबे उनसे भी भाड़ा वसूल करेंगे हम। कौन वसूल करेगा? मुझे जीते जी जीने नहीं देगा। मेरी खुशी इसी में है कि मैं खुदकुशी कर लूं, ऊपर आके तुझे देख लूंगा खुदकुशी। अबे ऊपर आना ही है तो कम से कम गल्ला तो लॉक करके आ। सब खत्म, ये जमी खत्म, ये आसमां खत्म, बापू के साथ झगड़ा खत्म। बापू मैं आ रहा हूँ। 2 मिनट में स्वर्ग में पहुंच गया। लक्ष्मी? हाँ? लक्ष्मी राजा, रानी,
क्या बात है राजा, रानी आप दोनों स्वर्ग में? इसका मतलब 22 साल से मेरा इंतजार कर रहे थे ना? अरे दोस्त हो तो ऐसा। मेरे बाप ने स्वर्ग में भी कैंटीन खोला क्या? स्वर्ग का परमिट किसने दिया उसे? उसे तो अरे लक्ष्मी मेरी बात तो सुन। क्या तू मरा नहीं है, तू जिंदा है और हम भी जिंदा है। क्या मैं मरा नहीं, मैं जिंदा हूँ और आप भी जिंदा। आपको तो मरे 22 साल हो गए। लक्ष्मी हमने दोबारा जन्म लिया है। दोबारा हो ही नहीं सकता। मैं जिंदा हूँ, आप भी जिंदा है। मैं कहाँ बच गया? भूतों की नगरी में बजरंग बली। तू ही बचा, तू ही बचा। मेरे बाप के पापों की सजा मुझे मत दे, बचा ले। लक्ष्मी सुनना यार, बहुत है बहुत, पीछे जाना, आगे नहीं आना है बहुत। ये तो मानने को ही तैयार नहीं है। इसका पाँव भी उल्टा है। तुम्हें ये कढ़ाई याद है? सुना है इसमें अनारकली सलीम के लिए पकोड़े तलती थी। मैं इसके 2000 रुपए देता हूँ। 20,000? 40,000? 50,000? 1,00,000? अरे समझ गया, अरे तुम दोनों ने सचमुच पुनर्जन्म लिया है। हाँ लक्ष्मी याद है, तूने एक बार कहा था कि बड़े लोगों के साथ ना तो दोस्ती अच्छी होती है ना दुश्मनी। यश हाँ, हमें छुपने की जगह चाहिए। चलो आजा राजा, आजा आजा। ये है इस जंगल का हंटिंग लॉज। राजा महाराजाओं ने बनवाया था, अंग्रेजों ने इस्तेमाल किया, अब वीरान है। इस इलाके में तुम्हारे लिए यही सुरक्षित जगह है। देखो वहाँ एक अलमारी है, शायद तुम्हारे लायक कुछ कपड़े होंगे। खाने पीने का बंदोबस्त मैं यही कर दूंगा। थैंक्स लक्ष्मी। देख शुक्रिया बोल के दोस्ती को गाली मत देना। यही रुकना, मैं चलता हूँ। okay. रानी क्या इस जन्म अभी तुम्हारी कोई सगी बड़ी बहन नहीं है? अपनी किस्मत। जी आप यहाँ, राजा रानी तो यहाँ नहीं आए।
जाने कहाँ से हुए थे शुरू अपनी चाहत के ये सिलसिले। हमें कितना तरसा के फुर्सत के लम्हे यहाँ आके हमसे मिले। ये लहराती जुल्फे ये शर्माती पलके जरा चुम लो मैं इन्हें। निगाहें जरा अपनी फेरो उधर तुम्हीं से चुरा लूं तुम्हें। ओ अब ना रही मजबूरियां मिटने लगी ये दूरियां। हे 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 ऐसी लगन कल हो ना हो ऐसी चुभन कल हो ना हो कल हो ना हो कल हो ना हो कल हो ना हो कल हो ना हो। बड़ा कर्ज है मेरी सांसों पे तेरी मोहब्बत का ऐ जाने मन। मुझे खींच लाई है फिर पास तेरे तेरे दिल की सच्ची लगन। भुला दूं मैं खुद को ये मुमकिन है लेकिन मैं कैसे भुला दूं तुझे। हथेली पे मेरी सजा दे सितारे तू दुल्हन बना दे मुझे। हाँ तुझ पे लुटा दूं मैं अपनी जान कदमों में तेरे रख दूं जहां। हे 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 ला 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 ला। ऐसा शगुन कल हो ना हो फिर ये जन्म कल हो ना हो। जलते ये दो बदन कल हो ना हो फिर हम सनम कल हो ना हो। तुमने कुछ सुना? नहीं तो शायद बाहर कोई है। तुम यहीं ठहरो मैं देख कर आता हूं। बाहर तो कोई नहीं है। जो भी इस हक को छीनने की कोशिश करेगा हम उसे मार देंगे। रानी प्यार? तुम इसे प्यार कहते हो? ये प्यार नहीं है यश, ये तुम्हारा पागलपन है, ये तुम्हारी हवस है। हवस? तुम इसे हवस कहती हो?
22 साल तक हमने तुम्हारा इंतजार किया है, किसी की तरफ आंख उठाकर तक नहीं देखा। तुम इसे हवस कहती हो? तुम वापस आई हो, यह हमारा प्यार है जो तुम्हें वापस लेकर आया है। तुम इसे हवस कहती हो? हमने तुमसे कहा था ना, तुम्हारा मुकद्दर हमारी मोहब्बत है, तुम्हारा नसीब हम है। हम? मेरा नसीब राजा है। राजा मर गया है, मर गया वो। हम उसे मार चुके हैं, अब वो कभी वापस नहीं आएगा, कभी वापस नहीं आएगा। वो आएगा, मेरा प्यार उसे वापस लाएगा। मुर्दे को लौटाएगा तेरा प्यार, देखना चाहती हो उसे तुम? चलो चल, चल Thank you.
बात बता राजा, अब अगर तुझे अपनी जिंदगी और रानी में से किसी एक को चुनना पड़ा तो तू किसे चुनेगा? जिंदगी। नहीं यश, नहीं यश। और मेरी जिंदगी रानी है।